हमारे मरहूम दादा है तो उनके नाम का खाना पकाना और खाना, क्या ये भी बिदत है? तो याद रखिए, किसी के नाम से कुछ माल खर्च करना ये बिदत नहीं है। किसी मैयत के नाम से पैसा या माल खर्च करना बिदत नहीं है, लेकिन मखसूस दिन, मखसूस वक्त में, मखसूस जगह पर मखसूस लोगों को बुलाकर एक मखसूस महफिल और मजलिस में खिलाना ये बिदत है। ऐसा दादा का इंतकाल हुआ किस दिन? जुमा के दिन सन फला में इतनी तारीख को, तो 10 सितंबर को जो है हम क्या करेंगे, दादा के नाम से खिलाएंगे, ये दुरुस्त नहीं। आम कभी भी आप पैसा खर्च कर दीजिए, कभी भी। रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आकर, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, क्या मैं कुआं खुदवा दूं? ताकि अजरों ने मेरे कहा कर दे। तो पैसा खर्च कर सकते आप, जिसमें खाना खिला सकते, कपड़े पहना सकते, कोई चीज़ दे सकते, सदका खैरात, ये तो दुरुस्त है। लेकिन कुछ लोग मखसूस करते हैं, खास ये दिन, ये रात में, ये वक्त में, इंतकाल जिस दिन हुआ उस दिन, और फलां, और उसका एक रस्म का नाम भी देते कुछ तो भी, और फिर लोग जमा होते और आकर मरने वाला मर गया और उसके नाम से ये चूरते। जब जिंदा है तो कभी दादाओं को बिरयानी बना के नहीं खिलाते, उनकी मौत के हर साल लोगों को खिलाते बनाकर। समझ में नहीं आता, मतलब अजीब मामला है, अजीब मामला है ना। एक इंसान मर रहा और उसको चादर की जरूरत है, ओढ़ने नहीं देता, मरे बाद चादर डालते इस पर लाकर। जिंदा था जब तड़प रहा था सर्दी से, जब नहीं डालते, मरे बाद चादर डालो, क्या अजीब मामला है। तो जब जिंदा थे तो कभी दादाओं को एहतराम से कभी नहीं खिलाएंगे, लेकिन क्या करते हैं मौत के बाद, नानी के नाम से, और चूर रहे कौन, अंदाजा लगाइए। सब खाते पीते घर के लोग, हाँ गरीबों खिला, फिर भी समझ में आ रहा मुझे, खा रहे हैं। फिर उसके लिए मखसूस तरीके भी होते हैं, दादा के नाम का खाना, और फिर या नाना के नाम का, या वालदा के नाम का, या वालिद या मैयत के नाम का खाना करते हैं, और मखसूस दिन 10वें दिन करते हैं ना, इसी होता है ना, 10th डे, मरने के 10 दिन बाद। फिर जो जो पसंद है सब जमा करते हैं, तमाम चीज़ें अशिया लाई जाती है, सेब पसंद है तो सेब रखो, ये थे, हत्ता कि कुछ लोग बीड़ी भी लाते, कौन सी पसंद थी वो कट्टा भी ला के रखते हो। और एक साहब ने मुझे बताया एक इलाके में तो शराब पीते तो शराब भी ला के रखते, वाह 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 वाह। फिर उसके बाद इंतजार किया जाता कि उनकी रूह आके कुछ खाकर चली जाए, है ना, और होता भी है, तितली आ गई, दादा तितली आई, बिल्ली आ गई, बिल्ली दादी हो सकते, बिल्ली बंदा ला। तो क्या रूहे मरने के बाद आती है वापस, सवाल ये है मेरा, रूहे मरने के बाद आती है कैसा? मोमिन की रूहें तो बस अब चली गई, तो कोई एक जगह है दोनों में, सिज्जीन कैद में है, गुनहगार है तो इल्ली नेक की जगह पे है, दोनों में से कोई एक मुकाम है, रजिस्टर से दो, जहां सिज्जीन के अंदर कैद कर दिए जाते काफिर मुनाफिर गुनहगार, और इल्लीन के अंदर जो है ये होता है। ये सब याद रखिए, ये सब बदअकीदगी है, किसी की रूह आती नहीं है मरने के बाद, वो चले गए, हाँ आपको कुछ देना है दे दीजिए, मखसूस मत कीजिए उस अमल को, आम रहने दीजिए जिस तरह से आम होता है।